नमस्कार दोस्तों, जेएम न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में पबजी मोबाइल गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और यह नंबर एक मोबाइल गेमिंग ऐप बन चुका है। दीवानगी इस कदर है, लोगों का मोबाइल डेटा कब खत्म हो रहा है कोई खबर नहीं है। लेकिन वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यह कदम आपको अजीब लगेगा। दरअसल विट ने अपने कैंपस में पबजी खेलने पर बैन लगा दिया है। सभी हॉस्टलर्स को ईमेल स्टेटमेंट भेजा गया है, जिसमें विट के चीफ ऑफ वार्डन्स ने लिखा है, कुछ छात्र पबजी जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और ये हमारे संज्ञान में आया है, इसकी इजाजत नहीं है। लगातार मनाही के बावजूद हॉस्टलर्स ऑनलाइन गेम खेलकर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उनके साथ रहने वाले रूममेट्स को दिक्कत होती है। इससे पूरे हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा है। विट में किसी भी तरह का ऑनलाइन गेम और बेटिंग पूरी तरह से वर्जित है, इसलिए उल्लंघन करने वालों के साथ विट कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। छात्रों को फिजिकल गेम खेलने या अपने करियर को ज्यादा प्रमुखता देना चाहिए। गौरतलब है कि पबजी ऑनलाइन गेम है और यह मल्टीप्लेयर भी है। इसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं और बिना इंटरनेट के इसे नहीं चला सकते हैं। इस गेम को सबसे पहले कंप्यूटर के लिए लाया गया था, तब यह भारत में पॉपुलर नहीं था। जैसे ही कंपनी ने इसे मोबाइल के लिए लाया, भारत में तेजी पॉपुलर हुआ है। दोस्तों, पबजी बैन होने की है बड़ी वजह। पिछले कुछ समय से ये ऑनलाइन गेम चर्चा में है। इस बार मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके के एक 18 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली। वजह यह थी कि लड़के के परिवार वालों ने उसे पबजी खेलने के लिए महंगा स्मार्टफोन देने से मना कर दिया था। लड़के ने पबजी खेलने के लिए परिवार वालों से करीब 37,000 रुपए के स्मार्टफोन की डिमांड रखी थी, जबकि घर वाले केवल 20,000 रुपए तक का स्मार्टफोन लड़के को दिलवाने के लिए तैयार थे। ठीक इसी बात खफा लड़के ने घर में ही अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। साउथ कोरियन वीडियो गेम डेवलपर ब्लू होल का पबजी ऑनलाइन वीडियो गेम पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर में इसके करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। इसे कई दफा ई स्पोर्ट इवेंट की तरह भी खेला जाता है। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर इसे 2018 का बेस्ट गेम भी घोषित किया गया था। इसी तरह की रेटिंग इस वीडियो गेम के डेस्कटॉप वर्जन को भी मिली थी। पबजी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग पबजी थीम बेस्ड रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। यहां तक कि कई शादियां भी पबजी थीम पर हो रही हैं। जितना ये गेम पॉपुलर है, उतनी ही इससे जुड़ी हुई नकारात्मक खबरें हाल फिलहाल में सामने आ रही हैं। हाल ही में ऐसी कई खबरें आई हैं जहां इस गेम को लगातार कई घंटों तक खेलने की वजह से अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ बैठे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के एक फिटनेस ट्रेनर का लगातार 10 दिनों तक पबजी खेलने से मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। डॉक्टरों का कहना है कि फिटनेस ट्रेनर अभी भी गेम के प्रभाव में है और उसे उबरने में कुछ दिन और लगेगा। दोस्तों, आपको भी पबजी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको लगता है कि पबजी बैन होनी चाहिए या नहीं? ऐसे न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।